नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मेरठ पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को आगामी त्योहार और चुनाव को लेकर जागरूक किया है। साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि जितने भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है उनको गिरफ्तार करने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही मेरठ के अंदर पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होते रहे। तो सर, आज जो आप ये फ्लैग मार्च लेके निकले हैं, जो क्षेत्र उसमें निकले हैं और आपने जगह जगह दबिश दी है और वॉर्न किया है, किस कारण वॉर्न किया है, क्या मामला है? देखिए, मेरठ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी प्रकार के अपराधी, चाहे वो प्रकार के अपराध से जुड़े हुए, उन पर हमारी निगरानी रहे, हम उनको वॉच कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पड़ोस के लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके जमींदारों को जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार के लोगों के नाले जमानत डालें। तो इसी के मद्देनज़र ये आज रूट पास कराया गया है। रूट पर इसके कई इसके उद्देश्य हैं। एक तो सड़क पर बेहतर ट्रैफिक देना, बेहतर पुलिस व्यवस्था देना, शाम के समय पुलिस का मूवमेंट होना और साथ ही साथ अपराधियों के मन में भय करना, इन सभी उद्देश्यों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इस रूट के जो थानाध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्जेस हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, PRVs हैं, इन सभी को सम्मिलित किया गया है और क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा जो है ये कराया जा रहा है रूट पर। उसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टी प्रॉन्ग इसका उद्देश्य है और ये लगातार जारी है। सही सर, कोई अपराधी घर पर उपस्थित मिला है आपको? देखिए, अब ये हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ है। हमारा उद्देश्य ये है कि अपराधियों को ये बात की जानकारी रहे कि पुलिस की वो निगाह में है, उन पर निगाह रखी जा रही है, निगरानी करी जा रही है। अपराधी अगर मिले भी हैं तो अगर वांछित नहीं है तो भी उनको हमारे द्वारा यही निर्देश दिया जाता है कि अपराध से बचें, अब फर्दर अपराध न करें।